रोसा आ गई वापस या अभी तक अपने घर में? नहीं मैडम, अभी तक अपने घर पे है। हालांकि मैंने वलीद को कहा भी था ले आओ, उसने कहा मॉम थोड़े से दिन और रहने दें। कहा ठीक है। इसे वापस बुलाएं, काम पे लगाएं नवाबजादी को। हाँ अब तो एग्जाम का भी बहाना नहीं रहा। मॉम मुझे वापस आने दें, आप और मैं मिलकर इसको इतना तंग करेंगे कि खुद भाग जाएगी। अरे ये बताएं डैड का मूड कैसा है? हाय तो बिल्कुल बदल गए, हर वक्त सीरियस रहते हैं, हर वक्त मूड ऑफ होता है, मेरे साथ भी सही तरह से बात नहीं करते। मेरी तुम भी ज़िद्दी हो ना, तुम मना लेती ना डैड को। ज्यादती कर रहे हैं डैड, गुस्सा और नाराजगी तो मेरी बनती है। चलें मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा कहाँ गए थे? बेबी मैं उन दोनों को सी ऑफ करने गया था। चली गई? हाँ बेबी चली गई, प्रॉमिस। थैंक गॉड। अब बेबी एक बात तो बताना, तुमने अपनी मामा को ये तो नहीं बताया ना कि हम लोग मरी नहीं गए हैं, फार्म हाउस आ गए? बेचारी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचे। नहीं इतनी बेवकूफ नहीं हुआ। Very nice. I like it. अब जान तुम्हारे डैड की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। राहिल इस बंद कमरे में बैठे बैठे मैं बोर हो रही हूँ। सोचो अगर हम मरी की बर्फ को एंजॉय कर रहे होते साथ। तभी मैं कहूँ मेरी बेबी इतनी सैड क्यों है। ठीक है एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है, तुम्हारी बोरियत बिल्कुल खत्म, प्रॉमिस। उसका जो बाप है ना वो खजाने की कुंजी है और काफी बड़े दिल का मालिक भी। उसे नाराज नहीं करो, ऐश करोगे ऐश। क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा था, वो सरप्राइज का सोच रहा था। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज बाहर।